रात का समय था। समुद्र की लहरों पर टाइटैनिक शिप अपनी तेज गति से दौड़ रहा था। उसके अंदर लगभग 400 लोग सफर कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ थे नितेश, मोहन, विराज और स्नेहा। यार, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि कुछ ही दिनों में हम लोग दुबई में होंगे। मैं तो बुर्ज खलीफा के साथ अपनी ढेर सारी पिक्स लेकर इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। तभी जहाज के कप्तान ने ऐलान किया। सभी लोग ध्यान से सुने, जहाज में कुछ खराबी आ गई है जिसे ठीक करने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। थोड़ी ही दूरी पर लाइट हाउस आने वाला है, हम कुछ देर वहाँ रुकने वाले हैं। वाह, लाइट हाउस! मैंने अपनी लाइफ में कभी लाइट हाउस नहीं देखी, मजा आ जाएगा। कुछ ही देर बाद जहाज एक लाइट हाउस के पास जाकर रुकी। दिखने में तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से सनन सनन चलती तेज हवाएं माहौल को और सुहाना बना रही थी। अगर आप कुछ देर यहाँ उतरना चाहें तो उतर सकते हैं। जहाज ठीक होते ही हम ऐलान कर देंगे, सभी लोग वापस आ जाइएगा। ये सुनकर काफी यात्री जहाज से उतर गए। वाव यार, ये कितना खूबसूरत लाइट हाउस है, ये कहकर स्नेहा ने उसकी कुछ पिक्स क्लिक की। देखो गाइस, कितनी अच्छी पिक्स आई है, वो सभी को फोटोज दिखाने लगी। तभी एक फोटो पर उनको नजर आया कि लाइट हाउस की रेलिंग पर एक लड़की खड़ी हुई है। अरे, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मतलब इसके ऊपर जाने का रास्ता भी खुला हुआ है। वो चारों एक साथ अब लाइट हाउस की तरफ रवाना हो गए। वाह, ये तो अंदर से भी एकदम चमचमा रहा है। अरे कोई है? हेलो, चलो चलो जल्दी से लैंटर्न रूम में चलते हैं, ऊपर से समुद्र का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगेगा। गोल गोल सीढ़ियां ऊपर लैंटर्न की तरफ जा रही थी। कुछ ही मिनटों में वो चारों लैंटर्न रूम में पहुंच गए। चारों रेलिंग से समुद्र का नजारा देखने लगे। वो देखो, हमारा जहाज कितना छोटा लग रहा है यहाँ से। कितनी ठंडी और तेज हवाएं चल रही है यहाँ। वो चारों मस्ती में ऐसे मग्न हुए कि उनको टाइम का पता ही नहीं चला और नीचे जहाज चलने को तैयार हो चुकी थी। सभी यात्री जहाज पर वापस आ जाए, हम बस निकलने ही वाले हैं। अरे बाप रे, ये जहाज तो बहुत जल्दी ठीक हो गया, चलो सब जल्दी से नीचे चलो। जब वो नीचे पहुँचे तो उनको बाहर जाने का दरवाजा बंद दिखाई दिया। वो उसको खोलने की बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। अरे, ये दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? हम चारों के अलावा तो कोई अंदर आया ही नहीं था। अब तुम लोग यहाँ से वापस नहीं जाओगे। ये भयानक आवाज किसकी है? तभी उनको जहाज की तेज आवाज सुनाई दी, मतलब जहाज चालू हो चुकी थी। खोलो यार, जहाज चल पड़ी है। कुछ ही देर में वहाँ बिल्कुल शांति हो गई और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। दूर दूर तक जहाज कहीं नजर नहीं आ रहा था। अरे यार, अब तो हम यहाँ फंस कर रह गए, कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? देखो यार, फंस तो हम चुके हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो और परेशानी बढ़ेगी। भलाई इसी में है कि हमें यहाँ रुक कर किसी दूसरे जहाज के आने का इंतजार करें। हम सभी एक साथ रहेंगे, वो आवाज किसकी थी ये पता नहीं चला अभी। तभी मोहन की नजर लाइट हाउस के टॉप पर पड़ी। एक लड़की रेलिंग पर अपने दोनों पैरों को लटकाए बैठी उन्हीं को देख रही थी। वो देखो, सभी ने एक साथ ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अबे क्या हुआ, क्यों चीख रहा है वहाँ कुछ? वो चारों लोग अंदर चले गए। आज रात हम आराम से सो जाते हैं, सुबह उठकर डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। ये तय कर वो चारों थोड़ी थोड़ी दूरी पर सो गए। रात के अभी कुछ ही पहर हुए थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे ये दरवाजे पर कौन है? उसने नजर दौड़ाई तो पता चला कि स्नेहा वहाँ नहीं थी। शायद स्नेहा ही होगी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। मैं यहाँ हूँ, ये आवाज सुनकर मोहन लाइट हाउस से निकल गया। कुछ ही दूरी पर उसको स्नेहा किनारे पर बैठी हुई नजर आई।
वो उसकी तरफ बढ़ गया। इस तरफ असली स्नेहा बाथरूम के अंदर से निकली और वापस अपनी जगह पर जाकर सो गई। अरे स्नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही यहाँ पर? मोहन थोड़ा डर गया और उसने उसके सामने जाकर देखा। स्नेहा के हाथ में एक मछली थी जिसको वो कच्चा ही चबा रही थी। वाह, कितनी टेस्टी मछली है मोहन, तुम भी खाओ ना। उसने तेजी से उठकर मोहन के मुंह में मछली ठूस दी। मोहन के हलक में मछली का पूरा कांटा अटक गया। वो जमीन पर पड़ा अपनी गर्दन को पकड़े हुए तड़प रहा था। तभी स्नेहा ने अपना पैर अचानक दरवाजे की तेज आवाज से तीनों की आंखें खुल गई। ये बाहर इस टाइम कौन हो सकता है? अरे मोहन ही होगा ना, वही तो नहीं है इस टाइम यहाँ। विराज उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, कुछ ही दूरी पर उसको एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ नजर आया। ये साला मोहन ही है। अचानक से पीछे के दरवाजे पर भी दस्तक हुई, जिसको सुनकर तीनों चौंक पड़े। तभी वो दरवाजा अचानक से खुल गया और उनको नजर आया कि एक बेहद ही भयानक आदमी वो उनके सामने आकर खड़ा था। वो आदमी तेजी से घर के अंदर आया और उसने नितेश का गला पकड़ लिया और फिर एक ही झटके में उसकी टांग और एक हाथ शरीर से अलग कर दिए। ये देखकर विराज और स्नेहा की चीख निकल गई। वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकले तो जिस आदमी को अभी तक वो मोहन समझ रहे थे, वो विराज पर झपट पड़ा। उसने विराज की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाई कि वो धड़ से अलग हो गई। नहीं! स्नेहा चिल्लाई और वापस लाइट हाउस के अंदर ही घुस गई। वहाँ नितेश की लाश पड़ी थी और उसके पास ही एक चुड़ैल भी खड़ी थी। अब तेरी बारी है, ऐसा कहकर वो चारों हाथ पैर से स्नेहा की तरफ बढ़ने लगी। स्नेहा लाइट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, वो भी अपने चारों हाथ पैर से स्नेहा का पीछा कर रही थी। आज तू नहीं बचेगी। स्नेहा बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुकी थी। ऊपर से नीचे देखने पर उसको डर लग रहा था। अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उसकी नजर समुद्र के किनारे पर पड़ी। एक बोट तेजी से लाइट हाउस की तरफ आ रही थी। उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो किनारे पर आया और चीखने लगा, क्या यहाँ कोई रुका है? अगर है तो बाहर आ जाए, कप्तान ने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। ये आवाज सुनते ही वो चुड़ैल और खुश हो गई। एक और शिकार आ गया, तुझे तो बाद में देखूंगी, पहले इसको खत्म कर देती हूँ। वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतर गई और उस बोट वाले आदमी के पास पहुँच गई। उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया। स्नेहा ने इस बात का फायदा उठाया और तेजी से गिरती पड़ती उस बोट तक पहुँच गई। उस चुड़ैल ने उस आदमी के सीने को चीर डाला। तभी उसकी नजर बोट में बैठी स्नेहा पर पड़ी। वो तेजी से स्नेहा की तरफ भागी। वो चुड़ैल अब उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। उसने स्नेहा की बोट पर छलांग लगाई। तभी बोट स्टार्ट हो गई और स्नेहा तेजी से वहां से निकल गई। वो चुड़ैल किनारे पर ही रह गई। स्नेहा ने पूरी स्पीड से बोट को आगे बढ़ाया और उसने पीछे पलट कर देखा तो वो चुड़ैल अब उस आदमी के मांस को मजे से खा रही थी। नितेश, समीरा, मयंक और निहारिका दोनों कपल अपने सेकेंड हनीमून के टूर पर गोवा जा रहे थे। बस में उनके अलावा और भी बहुत से पैसेंजर थे। गोवा अभी 13 घंटे की दूरी पर है, इसीलिए आज रात बस एक गेस्ट हाउस पर रुकेगी और सुबह 7 बजे वहां से आगे चलेगी। थोड़ी देर बाद बस एक गेस्ट हाउस के गेट के सामने रुक जाती है। ड्राइवर ने बस गेट के अंदर ले ली। उसके बाद बस से उतरकर सभी ने वहां एक कमरा ले लिया। कॉरिडोर से एक रूम सर्विस बॉय हाथ में मेनू कार्ड लिए गुजर रहा था। तभी एक लड़की ने उसको रोक लिया। जरा सुनिए,
आप कहाँ जा रहे हैं? मैम, मैं कस्टमर का ऑर्डर लेने के लिए जा रहा था, क्या आपको भी कुछ चाहिए? ये सुनते ही वो हंसने लगी और देखते ही देखते उसका चेहरा नीला पड़ गया, आंखें लाल लाल चमकने लगीं। आज सबका ऑर्डर मैं ही लूंगी और ऐसा खाना खिलाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नितेश ने दरवाजा खोला तो वही लड़की सामने खड़ी थी। मेरा नाम चारू है, रूम सर्विस। कहिए सर, आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे? आप मेनू कार्ड दिखा देंगे तो आसानी होगी बताने में। मेन्यू कार्ड नहीं है, आप नॉन वेज में जो भी चाहे मंगवा सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। क्या मतलब, सिर्फ नॉन वेज? अरे डार्लिंग छोड़ो ना, हम कौन सा वेजिटेरियन है। आप एक मटन फ्राई ले आइए और अगर लेग पीस वाला पार्ट हुआ तो और अच्छा होगा। आप फिक्र ना कीजिए सर, आपको मटन लेग पीस ही मिलेगा, वो भी इतना टेस्टी होगा जितना आपने आज तक नहीं खाया होगा। कहकर वो मुस्कुराई और रूम से बाहर चली गई। वो किचन में गया तो वहाँ पर रूम सर्विस बॉय जमीन पर बंधा पड़ा था। मिल गया ऑर्डर, कस्टमर को मटन फ्राई चाहिए, वो भी लेग पीस, अभी तैयार कर देती हूँ। कहकर वो अपने भयंकर रूप में आ गई। उसने शेल्फ से चाकू उठाया और सर्विस बॉय के पैर खोल दिए। फिर और देर न करते हुए जोरदार चाकू मार कर उसकी एक टांग एड़ी तक काट डाली और फिर तभी दूसरी एड़ी पर भी चाकू मार दिया। अब उसके दोनों पैरों के पंजे अलग हो चुके थे, वो चल नहीं सकता था, जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कर्रा रहा था। ये लेग पीस वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। कहकर उसने लेग्स को फ्राइंग पैन में डाले और उनको तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो नितेश ने उसको खोला, वो ट्रॉली लेकर अंदर आई। उम्मीद है कि आपको खाना अच्छा लगेगा सर, कहकर वो मुस्कुराई और रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद नितेश ने बेड पर डिश रखकर खाना शुरू किया। क्या खुशबू है, वाह, सच में इतना अच्छा खाना तो आज तक नहीं खाया। उसको देख समीरा ने भी खाना स्टार्ट किया। दोनों ही खाना खाते खाते अजीब तरह से बिहेव करने लगे, वो बहुत ही बदतमीजी के साथ खाना खाने लगे जैसे कि कई सालों से भूखे हों। उनके चबड़ चबड़ करने की आवाज कमरे के बाहर खड़ी चारू के कानों में पड़ी। लगता है कि गेस्ट को खाना पसंद आ रहा है। कहिए सर, आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे? अगर यहाँ नॉनवेज हो तो मटन कोरमा चलेगा। क्यों नहीं सर, मैं अभी आपके लिए मटन कोरमा विद तंदूरी रोटी लेकर आती हूँ। कहकर वो फिर से किचन में पहुँची तो सर्विस बॉय वहीं पर पड़ा अभी भी दर्द से कर्रा रहा था। तू अभी तक मरा नहीं, चल तेरी परेशानी दूर कर देती हूँ। कहकर उसने शेल्फ से चाकू उठाया और उसकी आंखों में एक एक करके मारा। आंखें निकाल कर उसने कढ़ाई में डाली, फिर उसके सीने में चाकू मारकर उसका दिल निकाल लिया। अब एक आखिरी चीख के साथ उसने दम तोड़ दिया और वो फिर से खाना तैयार करके मयंक और निहारिका के रूम में पहुंची। उनके कमरे में ट्रॉली छोड़कर वो वहां से चली गई। निहारिका अभी सिर्फ देख ही रही थी कि खाना कैसा है, लेकिन मयंक खाना शुरू भी कर चुका था। अब निहारिका ने रोटी तोड़कर थाली की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसके निवाले में सबसे पहले सर्विस बॉय की आंख आ गई, जिसको देखकर वो डर गई और चिल्ला उठी और निवाला फेंक दिया। लेकिन मयंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो पागलों की तरह खाना खाए जा रहा था। मयंक, इसको मत खाओ,
ये इंसानी मांस है। सुनकर मयंक ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मयंक की आंखें लाल लाल चमकती देख वो और भी ज्यादा डर गई और बेड से उठकर खड़ी हो गई। मयंक फिर से दरिंदों की तरह खाना खाने लगा। निहारिका कमरे से बाहर निकली तो चारू के साथ समीरा और नितेश उठ खड़े हुए, लेकिन वो दोनों भी अब भयानक दिख रहे थे। उनको देखकर वो डर गई और फिर रिसेप्शन की तरफ भागी। खाना तो खत्म हो गया, मुझे और खाना चाहिए, कहकर वो कमरे से बाहर निकला तो उसको चारू के साथ समीरा और नितेश खड़े नजर आए। अब तुम लोगों को कच्चा इंसानी मांस खाने से कोई नहीं रोक सकता, शुरू हो जाओ। ये सुनकर मयंक भी उनके साथ हो लिया और चारों भयानक हंसी हंसते हुए कॉरिडोर में घूमने लगे। वो एक एक कमरे में जाकर ठहरे हुए गेस्ट को मारते और उनका थोड़ा मांस खाकर उनकी बॉडी को कॉरिडोर में लाकर छोड़ देते। पूरे गेस्ट हाउस में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। निहारिका डरी हुई हालत में रिसेप्शन पर पहुंची। वहां पर रिसेप्शनिस्ट के साथ होटल का मैनेजर राजवीर भी खड़ा था। ये क्या चल रहा है आपके गेस्ट हाउस में? मेरे पति और एक कपल हैवान बन गए हैं, उनके साथ पता नहीं कौन चुड़ैल घूम रही है। आपके इतने सारे गेस्ट मारे जा चुके हैं और उनकी लाशें इधर उधर पड़ी हैं और आप यहाँ आराम से खड़े हुए हैं? हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैंने चर्च से फादर को बुलवाया है, वो ही हमें इस चुड़ैल से बचा सकते हैं। कौन चुड़ैल? चारू हमारे ही गेस्ट हाउस में शेफ की पोस्ट पर थी। उसके हाथ का बना खाना सभी गेस्ट को पसंद आता था। कई गेस्ट तो अपनी बीवियों से लड़ झगड़ कर रोजाना यहाँ खाना खाने आया करते थे। पहले मुझे ये अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मुझे ये बहुत ही अजीब लगने लगा। एक दिन मैं उस टाइम किचन में पहुंच गया जिस टाइम वो खाना बना रही थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि शेल्फ के पास जमीन पर एक आदमी मरा पड़ा था और वो उसी का मांस अपने खाने में इस्तेमाल कर रही थी। तब मुझे पता चला कि वो खाना बनाने के लिए इंसानी मांस का इस्तेमाल करती थी। मैंने उसको उसी दिन पुलिस में दे दिया। उसने जाते जाते यही कहा था कि अगली अमावस्या की रात को यहाँ वापस जरूर आएगी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली है। फिर मैंने सारी बात फादर को बताई। उन्होंने बताया कि उसकी आत्मा अमावस्या की रात यहाँ आएगी और उसको तभी कैद किया जा सकता है। तो अभी वो फादर कहाँ है? उनको आप बुलाते क्यों नहीं है? मैंने फादर को बुलाया था, उन्होंने कहा था कि वो 12 बजे से पहले आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ पर है। मैं आ गया हूँ राजवीर, बताओ वो चुड़ैल कहाँ पर है? वो मेरे पति और दो पैसेंजर्स के साथ कॉरिडोर में घूम रही है और लोगों को मार रही है। तभी उनको सामने से चारू और बाकी तीनों आते हुए नजर आए। फादर उनके सामने गए और उन्होंने पहले मयंक, समीरा और नितेश पर अपनी बोतल से लाया चर्च का पानी छिड़का। वो तीनों एकदम ठीक हो गए। इस पादरी को यहाँ से भगाओ, कहकर वो भागकर कमरे में चली गई। उसके पीछे फादर और बाकी के सभी लोग भी उसी कमरे में पहुँच गए। फादर बाइबल पढ़ते जा रहे थे और चारू अपने कानों पर हाथ रखे कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। पादरी, अपनी जुबान बंद कर दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चारू, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि तुम इस गेस्ट हाउस को छोड़कर चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुमको कैद करना पड़ेगा। नहीं पादरी, मैं इस गेस्ट हाउस को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुमको मंजूर नहीं है तो ठीक है, अब तुमको कैद करना ही पड़ेगा, कहकर फादर ने उस पर पानी छिड़का। वो चिल्लाई और धुआं बनकर ऊपर उठी। तभी फादर उस बोतल को उसके करीब ले गए और वो उसी बोतल के अंदर समा गई। फादर ने जल्दी से उसका ढक्कन लगाया और बोले, अब ये हमेशा के लिए इस बोतल में कैद होकर रहेगी। इसको रात 3 बजे जमीन में दफना देना, फिर ये कभी वापस नहीं आ सकेगी, कहकर फादर ने बोतल राजवीर को दी और वहां से चले गए। ठीक 3 बजे मैनेजर ने वो बोतल रिसेप्शनिस्ट को दे दी। इसको ध्यान से पीछे गार्डन में गाड़ दो, फिर ये कभी वापस नहीं आ पाएगी। रिसेप्शनिस्ट बोतल लेकर चुपचाप गेस्ट हाउस के पीछे गई
और फिर वहां जाकर जोर जोर से हंसने लगी। इन बेवकूफों को पता नहीं कि चारू मेरी बहन थी, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए ही मैं इस गेस्ट हाउस में आई हूँ। मैं उसको कैसे दफन कर सकती हूँ? अब होगा मौत का तांडव।